सभी को पता है कि स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और हर सुबह सताने वाला एक सवाल रहता है कि बच्चों को टिफिन में क्या दें। तो आज से हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, बच्चों के स्कूल का टिफिन बॉक्स। तो इस सीरीज की हमारी पहली रेसिपी है कॉर्न राइस। तो चलिए इसे बनाने की प्रोसीजर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम करके ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर मैं 3 हरी मिर्च ले रही हूँ जो मैंने बड़ी बड़ी काट ली है, ताकि जब बच्चे राइस खा रहे हो तो हरी मिर्च साइड में रख सके। अब हम इसमें डालेंगे कूटा हुआ अदरक और लहसुन, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर लेते हैं इन्हें अच्छे से। 1 से 2 सेकंड हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लंबाई में कटा हुआ प्याज और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप चाहे तो रेड बेल पेपर और येलो पेपर बेल पेपर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में हम इसमें डालेंगे कॉर्न। यहाँ पर मैंने फ्रेश कॉर्न यूज किए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट पका लेंगे। कॉर्न पकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में कॉर्न पक जाता है। अब यहाँ पर मैंने ढक्कन हटा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर से इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच हम इसमें डालने वाले हैं सोया सॉस और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली फ्लेक्स स्किप करना चाहते हो आप स्किप कर सकते हो। मिक्स कर लेते हैं इन्हें अच्छे से। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं राइस। तो राइस यहाँ पर मैंने पहले ही कुक करके लिया है। आप चाहे तो जो बचे हुए राइस रहता है ना वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को राइस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। राइस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। ध्यान रहे कि सोया सॉस में भी नमक रहता है। अब फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम फिर से एक बार गैस का फ्लेम लो करेंगे और फिर से एक बार इसे कवर करके 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और राइस को 2 से 3 मिनट हम हाई फ्लेम पे फ्राई करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर जो है वो उभर के आएगा और हम इसे लगातार इस तरह से स्टर करते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। यहाँ पर हमारा कॉर्न राइस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसे हल्का सा ठंडा कीजिए और बच्चों के टिफिन में पैक कर दीजिए। यकीन मानिए बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी स्कूल टिफिन सीरीज की पहली रेसिपी कॉर्न राइस। तो आप भी ये डिश घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय।